गरीब वर्सेस अमीर का खिलौना खेल। जूनागढ़ में जुन्नू मिन्नू किन्नू कहकर तीन दोस्त रहते थे। वे बहुत गरीब थे। एक दिन वे तीनों दिखाई नहीं दिए, तब उनका माँ पिता बहुत घबराए गए थे। दूसरे बच्चों का पेरेंट्स जुन्नू के घर आकर, क्यों जी, कहाँ है आपका जुन्नू? वो हमारे बच्चों को खराब कर रहा है। उनके साथ दोस्ती नहीं करने को कितने बार कहने से भी हमारे गधे सुनते ही नहीं। जब भी देखो जुन्नू के पूंछ बनकर उनके पीछे ही खेलते रहते हैं। सुबह भी ऐसे खेलते हैं कहकर घर से बाहर गए, अब तक घर नहीं पहुंचे। हमें बहुत डर लग रहा है। देखिए, अब घबराई नहीं, जहाँ तक मुझे पता है वे कहीं मैदान में खेलते होंगे। आ जाते हैं, आने के बाद हम उसे डांटेंगे, कह रहा था। तो जुन्नू मिन्नू और किन्नू तीनों खेलते गाते हुए आ रहे थे। उनको ऐसे देखने से जुन्नू का पिता बहुत गुस्से से जाकर जुन्नू को पकड़कर गाल पर दो थप्पड़ मारते हुए, कहाँ गया रे गधा, तुम अकेला ही जा सकते हो ना, इन सबको तुम्हारे पीछे क्यों लेकर गया? तुम्हें थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। उनका पेरेंट्स आकर हमारे घर के सामने कितना झगड़ा कर रहे हैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, कहकर डांट रहा था। तब उनके घर के सामने से जा रहा एक स्कूल मास्टर ये सब देखकर, क्या हुआ है, उस छोटे बच्चे को पकड़कर ऐसे मार रहे हैं क्यों? क्या बात है, कहिए। ये मेरा बेटा इन बच्चों को लेकर घूमने के लिए गया और उनका पेरेंट्स तो हमारे घर पर आकर झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, शांत हो जाइए। छोटे बच्चों को ऐसा मारते हुए कहाँ गए हैं कहकर पूछेंगे तो वे कैसे बताते हैं? लाड़ प्यार से पूछेंगे तो बताएंगे। आप छोड़िए, मैं पूछता हूँ, कहकर बच्चों से, बेटा जुन्नू कहाँ गए हो बेटा, कहकर प्यार से पूछा। मास्टर जी, वो हम तीनों आज सुबह मार्केट में मिले थे मास्टर। तब बाजार में सीन ओपन हुआ। बाजार में जुन्नू मिन्नू चिन्नू तीनों मिले। क्यों रे मिन्नू और किन्नू, खेलने के लिए कुछ खिलौने लाए हो? तू क्या रे, खिलौने के बारे में नया नया पूछ रहा है? हम खिलौने खरीदो के घर पे पूछते हैं और तुम्हारे पापा पैसे बर्बाद हो जाएंगे कहके गाली देते हैं, और मेरे पापा खरीद के दिए हुए खिलौने क्यों तोड़ता है करके मुझे पीटता है, और किन्नू की बात आती है तो लड़की है, तुझे खिलौना क्यों कहके उसे टाल देते हैं। हाँ यार, सच है यार, टॉय से खेलने के लिए हमें भी उस रिच बॉय राहुल की तरह जन्म लेना है कि घर में कितने खिलौने हैं। तुझे कैसे पता रे कि उसके घर में इतने खिलौने हैं? वो थोड़े भी खराब खिलौनों को घर में नहीं रखता है। स्कूल जाते वक्त गाड़ी के खिड़की में से उन्हें फेंक देता है। उन टॉयज को उठाने के लिए बच्चे लड़ते हैं, पता है? मैंने भी दो दिन कोई न कोई इसका खिलौना मिलेगा करके वेट किया था, मगर मुझे एक भी खिलौना नहीं मिला। चल हम भी उसके घर के पास चलते हैं, अगर आज उसके पास कोई खराब खिलौने हैं तो वो घर से बाहर फेंक देगा ना, तब हम ले सकते हैं। नहीं रे, उनका घर बहुत दूर है, उतना दूर हम नहीं चल सकते। वहाँ से वापस घर लौटने में बहुत टाइम लग जाएगी और हमारे घर पे डांट पड़ेगी। रहने दे, किन्नू नहीं आएगी तो क्या, हम चलते हैं। चलो चलो। रुको रे, मैं भी आऊंगी फिर। तब वे तीनों मिलकर रिच बॉय राहुल के घर गए। उनके गेट के सामने खड़े होकर घर के अंदर देख रहे थे। अंदर राहुल एक स्लाइड के ऊपर से उनका कॉस्टली मिनी व्हीकल टॉयज को छोड़ते हुए खेल रहा था। वाओ, देखना उसके स्लाइडिंग वाले रोड पे वो मिनी व्हीकल्स, देखो मस्त है ना। हम भी अंदर जाके उससे पूछेंगे कि हमें भी उसके साथ खेलने दे। नहीं रे, वो हम जैसे गरीब से चिढ़ता है। फिर क्या करे, वो कोई भी मिनी टॉय को फेंक नहीं रहा। भगवान जी, जल्दी से उसके खिलौने खराब कर दो ना प्लीज। बस तीन खिलौने खराब हो जाएं तो हम तीनों को तीन टॉयज मिलेंगे। प्लीज भगवान जी, तुम्हें तीन चॉकलेट का प्रसाद चढ़ाऊंगा, कहकर भगवान को प्रार्थना कर रहा था। वो देख कर राहुल, ए डर्टी पुअर फेलोस, हमारे गेट के सामने तुम तीनों क्या कर रहे हो? हाँ, मेरे खिलौने चुराने के लिए प्लान कर रहे हो क्या? अरे नहीं, हमारे खिलौने खराब होने पर तुम फेंक देते हो ना, उनको लेने के लिए हम आए थे। ओहो, इसका मतलब तुम मेरे व्हीकल वाले खिलौनों को खराब हो जाने की इच्छा कर रहे हो क्या? रुको, तुम लोगों की खबर लेता हूँ। हे टॉमी, कम ऑन कैच दोस गाइस।
तब एक बड़ा सा कुत्ता उन तीनों बच्चे के ऊपर कूद पड़ी। तब वे तीनों बच्चे उधर से भाग गए। अब इधर घर के पास जुन्नू। मास्टर जी, इस तरह हम तीनों भाग भाग के यहाँ तक आए हैं। सुना है आपने, बेचारे वे बच्चों का तो खेलने का उम्र है। उनको अगर खिलौने आप खरीद कर देते तो वे इधर ही खेलते थे ना। आप खरीद कर नहीं दिए, इसलिए ये लोग घर छोड़कर उतना दूर जाकर बहुत मुश्किल झेल कर आ रहे हैं। तब पेरेंट्स को बुद्धि आया और उनको छोटे छोटे प्लास्टिक टॉयज खरीद के दिए। तब वो गरीब बच्चे उन खिलौने पर मिट्टी डालकर रेत में अच्छे से खेलने लगे। बैम्बू क्रॉसबो फिशिंग। सीरतलान के गांव में देवदत्त और मीरा नाम के मछुआरों का बेटा था अर्जुन। एक दिन देवदत्त अर्जुन से, अरे बेटा आजकल क्या हो रहा है, मछलियां पकड़ नहीं पा रहे हैं, सब कह रहे हैं, क्या ये सच है? सच है पिताजी, कभी कभी ऐसा होता है, थोड़े दिन देखते हैं। हाँ बेटा, जब मछलियाँ गर्भवती होती हैं तो वो ज्यादा घूमती नहीं है, जब वो अंडे दे दे फिर आराम से घूमती हैं। वो सब 20 दिनों के लिए होता है बस। यूं मछलियाँ महीनों गायब नहीं होती। ऐसा है तो इसका मतलब है कि तालाब में कोई समस्या है, पता लगाना होगा कि वो क्या है। तो ठीक है पिताजी, चलिए हम तालाब के पास जाते हैं। मैं अकेला नहीं, तुम्हारी माँ को भी साथ ले जाते हैं। माँ तालाब के पास आकर करेगी क्या पिताजी? अरे बेटा, तुम्हारी माँ उस तालाब की एक एक कण को जानती है। वो जानती है कि कौन से मछली किस जगह छुपी है, वो कितने अंडे देती है, कितने दिनों बाद बाहर निकलती है, सबकी खबर रखती है तुम्हारी माँ। कई पीढ़ियों से तुम्हारे माँ के खानदान का ये तालाब ही जीवन आधार रहा है। मैं तो पड़ोसी गाँव से आता था बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ यहाँ की लोकल है बेटा। अच्छा तो ठीक है, आपको भी लेकर चलते हैं पिताजी, कहकर तीनों तालाब की ओर गए। जब ये तीनों तालाब के पास पहुंचे तो वहां पर गांव का मुखिया ओझा मछुआरों से, अरे लगता है तुम्हें किसी देवता का श्राप लगा है, इसीलिए तुम लोग मछली नहीं पकड़ पा रहे हो। मैं समझता हूं कि तुम लोग कोई और काम ढूंढ लो तो अच्छा रहेगा। अगर तुम लोग कहो तो MLA साहब से बात कर लूं। ये क्या मुखिया जी, हम सोच रहे थे कि आप हमारे लिए कोई रास्ता ढूंढेंगे और आप हैं कि ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे तुम लोग मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हो, मैं जो बात मन में है वही करता हूँ। अरे किसी को पता हो या ना हो, मैं तेरे और तेरे बाप दादाओं के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। ये बातें तुम खूब बना चुके हो, अब बंद करो, तुम यहाँ से चलते बनो। अरे वाह ताई ताऊ, आप लोग आ गए। मैं सोच ही रहा था कि अब तक आप लोगों ने दखल क्यों नहीं दिया, तो अब यहाँ पर मेरी जरूरत तो है नहीं, मैं चलता हूँ। ए क्या ताई जी, अरे मुखिया जी बात कर रहे थे और आपने उन्हें टोक दिया। तब दत्त और मीरा को तालाब में एक बहुत बड़ी मछली दिखाई दी। उसे देखकर ओझा से दत्त, अरे ओझा अब बात मेरी समझ में आई, हो ना हो ये काम तुम्हारा ही है। अरे तुम सब सुनो, जब तक ये बड़ी मछली इस तालाब में है छोटी मछलियाँ नहीं बचेंगी। बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है और जो मछलियाँ बची हों वो इसके डर से छुपी रहती हैं। अरे हर बात पर मुझे ताने मारते हो, मुझ पर इल्जाम लगाते हो, ये गलत है। वैसे भी बड़े बड़े अफसर आए थे, उन्होंने देखा और कहा कि इस बड़ी मछली की वजह से कोई नुकसान नहीं है तालाब को, तो अब तुम कहोगे और हम मान लें। देखो भैया, ये बड़ी मछली हमारे देश की नहीं है, ओझा के दादाजी ने इस बड़ी मछली को मंगवाया था और मेरे पिताजी ने उनका नाश किया था, अब दोबारा उनके पोते को आइडिया दिया होगा उस बुड्ढे ने। अरे वाह ताई क्या कहानी बनाती हो, इन सब बातों के बजाय उस मछली को पकड़ना कैसा है ये तो बताओ। बड़े बड़े जालों में नहीं फंसे ये मछलियाँ, और तुम कहो कि तुम्हारे पिताजी ने इन मछलियों को पकड़ा था और हम विश्वास कर लें। दिखाती हूँ बेटा, दिखाती हूँ, और सबसे तुम्हें पिटवाती भी हूँ, देखो। कहकर अपने पति और बेटे के साथ मिलकर उसने एक बैम्बू क्रॉसबो तैयार किया। फिर तीनों ने मिलकर उन बड़ी मछलियों का शिकार तीर के साथ करने लगे। इस तरह उन्होंने एक एक करके बड़ी मछलियों को मार डाला।
वहाँ पर खड़े मछुआरों ने उन बड़ी मछलियों को बाहर निकाला। यूं बड़ी मछलियों के मर जाने से तालाब में छिपी छोटी मछलियाँ बाहर आकर उछलने लगी। ये देखकर सब मछुआरों ने ताली बजाई। तब उन सब से मीरा, क्यों बच्चों, अब तो यकीन हो गया ना कि ये सब हरकतें इस ओझा की है। अरे सिर्फ यकीन नहीं ताई जी, तुमने जो किया है वो हमारे लिए गर्व का काम है। हम अपने बच्चों को ये कहानी जरूर सुनाएंगे। इतना ही नहीं, इस ओझा की जो ठुकाई होने वाली है वो भी हम बताएंगे। तब सबने मिलकर ओझा की खूब पिटाई की। वो मार खाकर ओझा वहां से भाग गया। सबने अर्जुन, दत्त और मीरा को धन्यवाद किया।